बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रान मज़र है। तो आज की शानदार वीडियो के अंदर हम एक और कोर्स लेकर आ चुके हैं। तो इस कोर्स के अंदर लोगों की बहुत सारी डिमांडें थी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर लाएँ। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो उनके लिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर लाएँ। तो आज से हाजरा आपी जो है वो आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करवाएंगी। तो आज हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स बात करेंगे उनकी। तो चलें फिर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ हाजरा मुबीन एंड आई हैव डन माई BS इन कंप्यूटर साइंस। इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कंप्यूटर बेसिक्स। तो ये आज हमारी कंप्यूटर बेसिक्स की पहली क्लास है। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना चाहूँ कि व्हाई कंप्यूटर बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाए तो आप एक कंप्यूटर के बिगनर से लेके एडवांस तक के सारे फीचर जान जाते हैं और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता तो डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू। हमारी ये जो वीडियो सीरीज है बिल्कुल फ्री है और इससे सीख कर आप एक बिगनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। आज के इस दौर में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की डिमांड जो है वो हर फील्ड में है। जनरल स्टोर, अ स्मॉल जनरल स्टोर, एक छोटे से जनरल स्टोर पे भी आप देख लें तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा होता है। उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उनकी सेल्स मैनेजमेंट, प्रॉफिट कैलकुलेशन, लॉस कैलकुलेशन, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर का यूजेज हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आप जिस फील्ड में भी देखें कंप्यूटर का यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में होंगी कि आप एक कंप्यूटर को प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना जानते हैं तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना जान जाते हैं और अगर आपको इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक MS Word, Excel, PowerPoint ये आप अच्छे से यूज़ करना आपको आ जाता है तो आप किसी भी ऑफिस में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ एडवांस स्किल्स की बात करूं जो कि अगर आप सीख लें और उनमें आप महारत हासिल कर, आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके बाहर की कंपनीज के साथ काम करके डॉलर्स में कमा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। इन स्किल्स में डिफरेंट हैं जिनकी डिमांड है और मैं यहाँ पे वही डिस्कस करूँगी जो कि इन डिमांड हैं। सबसे पहले इसमें कोडिंग आ जाती है, वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग। तो यही सब स्किल्स सीख के आप जो है अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब स्किल्स को सीखने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कंप्यूटर के डिफरेंट्स प्रोग्राम्स को यूज़ करना जो बहुत ही मेन फीचर्स हैं, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोग्राम्स को ऑन ऑफ करना, अपने कंप्यूटर को समझना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ की बेस क्लियर ना हो आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की। जैसे पूरा देखने के बाद आपको कंप्यूटर को ऑन करना, कंप्यूटर प्रोग्राम को ओपन करना, देन विंडोज़ को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज़ करना, टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं और ये तमाम जो हैं लाइक डेस्कटॉप व्यू का क्या यूजेज है और इसकी पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में हो जाएगी। सो गाइज लेट स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस सीरीज़ से कनेक्टेड रहें और कंप्यूटर की बेसिक्स को सीख के एक बिगनर से एडवांस लेवल के कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकें। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर टाइप। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स को कनेक्ट करके एक कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर एक फंक्शनिंग फॉर्म में आता है।
तो यहाँ पे आई हैव स्मॉल क्विज फॉर ऑल ऑफ यू, बट डोंट वरी, आप ऐसे वो लोग जो नहीं जानते कि इन पार्ट्स को क्या कहते हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम इसको इसको मिलके सॉल्व करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी जिनको कंप्यूटर की थोड़ी सी हो नौ है, उनके लिए छोटा सा क्विज है। तो यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स के अंदर मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको इन ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट ऑप्शंस को फिल करना है। तो इससे थोड़ी सी आपकी जो लर्निंग एक्टिविटी है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी, थोड़ा सेशन को इंगेज करने के लिए, इंगेजिंग बनाने के लिए मैंने इसको अपनी वीडियो में ऐड किया है। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कंप्लीट करके नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं कि आपके जो भी आंसर्स हैं वो सही हैं या नहीं। लेट्स पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ गो। ऑल राइट, सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे वन बाय वन हर एक डिवाइस के बारे में बताऊंगी और इनके कनेक्शन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह इनको एक कनेक्ट करके हमारे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाता है। तो सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको डिवाइस दिख रही है, ये इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ये कंप्यूटर का आप समझ लें कि बहुत ही मेन पार्ट है। सारी प्रोसेसिंग इसके अंदर परफॉर्म हो रही होती है। इसके अंदर डिफरेंट छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जो मिलकर काम करती हैं और एक कंप्यूटर को प्रॉपर फंक्शनिंग में लेके आती हैं। हम इसकी लेकिन जाने के लिए ज़रूरी है कि इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। बहुत से लोग इसको सीपीयू भी बोलते हैं, लेकिन जो सीपीयू होता है वो एक स्मॉल सी चिप होती है जो इसके अंदर होती है। तो ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है। देन इसकी जो लेफ्ट साइड पे ये आपको स्क्रीन दिख रही है, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं, और डिस्प्ले स्क्रीन भी आप इसको कह सकते हैं। इस पे हमें जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, चीज़ें हमें दिख रही होती हैं इस स्क्रीन के थ्रू। देन हमारे पास माउस है। माउस को भी हम कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम यूनिट के साथ, और माउस के थ्रू हम डिफरेंट कमांड्स देते हैं, ऑपरेट करते हैं अपने कंप्यूटर को। देन हमारे पास कीबोर्ड है, जो भी हमें कमांड्स मॉनिटर को देनी होती हैं, कुछ टाइप करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, और भी इस पे बहुत सारी कीज होती हैं जो डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होती है। भी डिफरेंट कमांड्स के लिए, डिफरेंट कामों के लिए यूज होता है। देन हमारे पास स्पीकर है। ये लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपको स्पीकर नजर आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे कि आइदर आपके सीपीयू के अंदर बिल्ट इन स्पीकर हैं या आपको सेपरेट स्पीकर लगाने होंगे। तो ये सिस्टम टू सिस्टम चीज वेरी करती है। देन हमारे पास प्रिंटर है। इसका इतना आम यूजेज नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पे इसको यूज किया जाता है। आपने इसको प्रिंटिंग शॉप पे देखा होगा, लेकिन कुछ लोग अपना प्रिंटर भी रखते हैं। तो प्रिंटर भी जो है वो कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है, देन वहां से कमांड दी जाती है, तो ये प्रिंटर काम करना स्टार्ट हो जाता है। आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं वो आपको प्रिंट होके मिल जाता है। तो ये तो था क्विज को किस तरह से हमने सॉल्व करना था। देन अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपके पास आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसको सेटअप कर, तो आप कैसे करेंगे एज अ बिगनर, एज अ एब्सोल्यूट बिगनर। तो यहाँ पे सबसे पहले आई सजेस्ट कि आपके पास एक एक्सटेंशन होनी चाहिए ताकि आप इजीली दो प्लग्स को उस एक्सटेंशन के अंदर डाल सकें और फिर उस एक्सटेंशन को मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो भी डिवाइसेस अपने सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करनी है, आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले उनको कनेक्ट कर लिया जाए। आपके पास एक वायर होगी कीबोर्ड की, उसको सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करना होगा। देन हमारे पास जो माउस है वो भी सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होगा, एंड देन जो हमारे पास स्पीकर है उसको भी आपने सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करना है। सिस्टम यूनिट के पीछे डिफरेंट पोर्ट्स बनी होती हैं जो आपको गाइड करती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी। इसके अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं था कि मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा पाती, तो मैंने इसी वीडियो की हेल्प लेते हुए आपको गाइड करने की। होप ऑल ऑफ यू गाइज अंडरस्टैंड इट। देन हमारे पास स्पीकर होता है।
सॉरी मॉनिटर होता है, मॉनिटर के अंदर जो है एक इसकी वायर को आपने कनेक्ट करना होता है मेन पावर सप्लाई के साथ, एंड देन इसकी जो एक और केबल होती है उसको कनेक्ट करना होता है सिस्टम यूनिट के साथ। तो इस तरह आपका एक प्रॉपर डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो सेटअप हो जाता है। देन अगर मैं बात करूँ लैपटॉप्स की, तो लैपटॉप्स को का एक पावर बटन होता है जिसको जस्ट आप क्लिक करते हैं तो आपका एक पूरा कंप्यूटर का सेटअप फंक्शनिंग में आ जाता है। आपको किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस आप कोई सेपरेट माउस यूज़ कर रहे हैं, वो भी वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है। देन हम मूव ऑन करेंगे कि माउस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे दो बटन्स आते हैं। लेट मी जूम इन टू क्लियर द माउस। तो यहाँ पे हमारे पास ये माउस आपको दिख रहा है, माउस का ये वाला लेफ्ट बटन है, देन ये हमारे पास राइट बटन है और यहाँ पे स्क्रोल व्हील है। तो आगे जाके जब हम मैं डिफरेंट टर्म्स को यूज करूंगी कि आपने लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, राइट बटन को क्लिक करना है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये माउस का लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, और स्क्रोल व्हील जो है वो थ्रू आउट द आपका पेज जो है उसको स्क्रोल करने के लिए यूज होता है। देन अब बात ये आती है कि आपने कंप्यूटर को ऑन किस तरह से करना है। तो जब आपकी सारी वायर्स कनेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको सिस्टम यूनिट के पावर बटन को ऑन करना है, प्रेस करना है। देन यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स लाइट होंगी जो ऑन हो जाएंगी कि इस बात का सबूत है कि आपका सिस्टम यूनिट जो है वो ऑन हो चुका है। देन हमारे पास मॉनिटर, मॉनिटर की बटन को आपने प्रेस करना है, पावर बटन को। देन इसके अंदर भी इसकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी और आपका कंप्यूटर जो है वो बूट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो उसमें जस्ट आपने एक पावर बटन को प्रेस करना है जिससे आपका लैपटॉप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। देन स्टार्ट होने के बाद आपको जो स्क्रीन शो होगी वो लाइक दिस होगी। इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं और डेस्कटॉप स्क्रीन भी आप कह सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे जो ये डिफरेंट आइकन्स शो हो रहे हैं, ये वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर में मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त। तो ये वेरी करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर के आप कौन से प्रोग्राम्स उन प्रोग्राम्स के मैंने शॉर्टकट क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे जो भी आइकन्स के आप शॉर्टकट क्रिएट्स कर लेते हो वो आपके लिए इजी टू यूज होता है कि आप जल्दी से उनको एक्सेस करके ओपन कर सको। ये तो था डेस्कटॉप स्क्रीन्स एंड देन आइकन्स। तो यहाँ पे हम अब बात करते हैं इस बार की। मेरे कर्सर को फॉलो करती रहिएगा। यहाँ पे ये जो बार शो हो रही है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। इस टास्क बार की मैं फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट करूंगी और हम जाएंगे राइट साइड तक। तो सबसे पहले टास्क बार पे ये जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे बटन शो हो रहा है इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। जैसे ही आप इस स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, लाइक आउटलुक, ग्रामरली यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। देन जो बटन को एक्सेस करने का तरीका है स्टार्ट बटन को, वो आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से विंडो की की उस की के ऊपर इस तरह का साइन होगा, आप विंडो की प्रेस करने से भी उसको ओपन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से विंडो की प्रेस करती हूँ तो ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, इसको स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। देन हमारे पास इन मोस्ट बॉटम लेफ्ट हमारे पास इसके अंदर एक बटन है जिसको अगर मैं प्रेस करूँ तो मेरे पास एक सब मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है कि आप अपने पीसी को स्लीप पे लगा सकते हैं। पीसी को स्लीप पे लगा के आपका पीसी जो है वो बहुत ही लेस पावर कंज्यूम कर रहा होता है, और जब भी आप अपने पीसी को स्लीप पे लगाते हैं भी
ये प्रोग्राम्स जो कि मैंने ओपन कर रखे हैं वो ओपन ही रहते हैं। एंड देन आप अगर अपने पीसी को स्लीप मोड से बाहर लाना चाहते हैं तो आप कोई भी कीबोर्ड पे की प्रेस करेंगे और आपका पीसी स्लीप मोड से बाहर आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे शट डाउन बटन है। अगर आप अपने पीसी को शट डाउन करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो इससे आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके कुछ टास्क ओपन हैं और आपने उनको सेव नहीं किया तो वो आपका काम सेव नहीं होगा। सो गाइज, मेक श्योर टू सेव ऑल द वर्क बिफोर शट डाउन योर पीसी। देन हमारे पास रीस्टार्ट है। तो जैसे ही आप इस रीस्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो आपका पीसी रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है और इससे आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं जिन पे आप अभी काम कर रहे थे वो भी है वो लॉस्ट होने का चांस होता है। तो जब भी आप अपने पीसी को स्टार्ट सॉरी रीस्टार्ट या शट डाउन करना चाहें तो मेक श्योर कि आप अपना काम जो है वो पहले सेव कर। देन हमारे पास यहाँ पे सर्च बटन आता है। सर्च बटन के थ्रू आप अपने पीसी के अंदर मौजूद प्रोग्राम्स में से कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं बाय नेम। लाइक अगर मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर सर्च करूँ तो शुरू के कुछ लेटर टाइप करने के बाद उसने मुझे दिखा दिया है कि फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ। ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए कि आप डायरेक्टली जिस प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहते हैं वो आप सर्च बार के थ्रू एक्सेस कर लें। इससे आपका टाइम कम लगता है। देन हमारे पास ये जो है इसको टास्क व्यू बोलते हैं। जब आप इस पे राइट क्लिक करते हैं तो ये शो करता है कि रिसेंटली आपके डेस्कटॉप पे कौन कौन से जो प्रोग्राम हैं वो ओपन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ब्राउजर ओपन है, साथ में मैंने एक ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, देन साथ में मेरा पेंट सॉफ्टवेयर ओपन है, और साथ में ये प्रीवियस हिस्ट्री दिखा देता है कि आपके जो पहले चीजें थी वो कौन कौन सी ओपन थी। देन अगर मैं बात करूं इस टास्क बार के इस हिस्से की तो इसको हम बोलते हैं क्विक लॉन्च एरिया। क्विक लॉन्च एरिया का क्या मतलब है कि ये वो वाले प्रोग्राम्स दिखाता है, एक तो जो ओपन है। देन इस क्विक लॉन्च एरिया में हम अपनी वो वाली एप्स या वो वाले प्रोग्राम्स हम यहाँ पे पिन जिनको हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपने रोजमर्रा की रोजमर्रा में हम इसको यूज कर रहे हैं। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं मेल्स, अगर आपको मेल्स बहुत ज्यादा आती हैं तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे टास्क बार में अपनी फेवरेट प्रोग्राम्स को पिन अप भी कर सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं। देन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस नोटिफिकेशन आइकन की, तो इसको ओपन करने से मुझे ये शो करवा देगा कि मुझे कौन सी मेल्स आ चुकी हैं और यहाँ से मैं उनको डायरेक्टली ओपन करके उनका रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। देन अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे बैटरी सेवर है, तो ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो बैटरी सेवर से आपके जो सिस्टम की बैटरी है वो सेव होना शुरू हो जाती है और ये लेस पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू बिफोर ओपनिंग दिस ऑप्शन। देन हमारे पास ब्लूटूथ का ऑप्शन है। लाइक अगर आप कोई डिवाइस वाया ब्लूटूथ अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि उस डिवाइस का ब्लूटूथ और आपके पीसी का ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए ताकि दोनों का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके और जो भी आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं या जो भी आपका पर्पज है कनेक्शन का वो सक्सेसफुल हो जाए। देन हमारे पास मोबाइल हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन है यहाँ पे।
मोबाइल हॉटस्पॉट जो है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप अपने लैपटॉप के थ्रू एक्सेस उस डिवाइस को दे सकते हैं जिसको आप मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू इससे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह इंटरनेट की एक्सेस जो है वो दूसरी डिवाइसेस को मिल जाती है। देन हमारे पास यहाँ पे और भी डिफरेंट ऑप्शन है, और यहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस का एक ऑप्शन है, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से इस बार को यूज करते हुए आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आपको लेफ्ट क्लिक करना है, देन आपको इस बार को आगे मूव करना है अगर आप ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और फिर छोड़ देना। लेकिन अगर आप अपनी पीसी की ब्राइटनेस को कम करना चाहते हैं तो आपने इसको पीछे की तरफ मूव करना है और फिर छोड़ देना है। तो इसको सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आता है इस एरिया में एयरप्लेन मोड। तो एयरप्लेन मोड जो है उसको आप ऑन करके जो है आपका कनेक्शन जो है आपकी पीसी का कनेक्शन आउटर वर्ल्ड से डिसकनेक्ट हो जाता है। आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपका एयरप्लेन मोड ओपन है। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें ये वीपीएन का है। वीपीएन लाइक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें आप अपने नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं अपनी डिवाइस को कहीं और शो करवाने के लिए कि वो इस वक्त कोई वर्चुअल एड्रेस यूज कर रही है, रादर देन कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं। आप अपनी लोकेशन डिवाइस की शो करवा सकते हैं कि वो अमेरिका में है या जो भी वीपीएन के थ्रू आपने कंट्री। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो जरूरी थे कि आप जानते, इसके बारे में आपको नॉलेज हो। देन हम मूव ऑन करते हैं कि ये जो हमारे पास शो हो रहा है, ये हमारे पास टाइम है और डेट है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 10:31 PM, मतलब रात के 10:31 हो रहे हैं, और यहाँ पे डेट शो हो रही है जो कि करंट है। हो सकता है कभी कभी आपके पीसी पे आउटडेटेड डेट शो हो रही हो या टाइम से इसे शो ना हो रहा हो, तो उसको आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो है सिस्टम का साउंड। तो आप जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसी तरह आप अपने सिस्टम के कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमारे पास ये जो बटन है, इसको प्रेस करने से आपको जो भी हिडन आइकन्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा ब्लूटूथ ऑन था तो उसने यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि ब्लूटूथ ऑन है। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मेरा इंटरनेट स्टेटस क्या है। तो इसको अगर क्लिक करने से मैं यहाँ पे डिसकनेक्ट बटन को क्लिक करती हूँ तो मेरा पीसी जो है वो इंटरनेट से डिसकनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन आपके पास यहाँ पे एक ग्लोब टाइप का आइकन शो होगा जिसपे आपको इंटरनेट स्टेटस शो होगा कि आपका पीसी डिसकनेक्टेड है। देन आपको यहाँ पे उस ग्लोब पे क्लिक करना है, और देन आपका आपको जो भी वाईफाई आपके नियरली अवेलेबल होंगे वो सारे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको उस अपने वाईफाई पे क्लिक करना है एंड देन पासवर्ड डाल के अपने पीसी को कनेक्ट कनेक्ट बटन पे क्लिक करके अपने पीसी को आपने कनेक्ट कर लेना है। इस बार को हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारे पास मोबाइल हॉटस्पॉट है एंड देन एयरप्लेन मोड है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है इस के हमारे पास वेदर क्या है। तो
यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के इश्यू की वजह से ये मुझे सही से शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये शो करता है कि आपका वेदर रेनी है या उसका जो भी स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, जो मैंने पहले बात की थी कि आप अपनी विंडो को मिनिमाइज करेंगे तो ये प्रोग्राम ओपन रहेगा और आपकी टास्क बार के अंदर लेगा। जैसे ये पेंट का ऑप्शन है तो मैंने इसको क्लिक किया जब, तो ओके गाइस तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आप एक मैक्सिमाइज और क्लोज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ पेंट की। तो पेंट की विंडो यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज करने के दो तरीके हैं। लाइक आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी, और इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जो है दोबारा से वापस आ जाएगी। तो मिनिमाइज करने का एक और तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर पे आपको ये बटन शो हो रहा है, जब आप इस पे स्क्रॉल करके ले जाते हैं तो ये आपको बताता भी है कि मिनिमाइज। तो आप जैसे इसको मिनिमाइज करेंगे ये आपकी टास्क बार के अंदर शो होता रहेगा और आपने जो भी काम किया है वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, अनलेस कि आप इसको बंद कर देते हैं यानी कि क्लोज कर देते हैं। देन हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो मैक्सिमाइज का है। यहाँ पे इस बटन को क्लिक करने से ये विंडो जो है वो आपको छोटी होकर नजर आती है। बटन को अब आप जब दोबारा क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरी स्क्रीन पे शो हो जाती है। तो मैक्सिमाइज करने का ये पर्पज है कि आप विंडोज को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब इसका ये पर्पज है कि आप एट अ टाइम दो विंडोज पे काम कर सकते हैं। लाइक एक यहाँ विंडो आपकी ओपन है, दूसरी विंडो आप यहाँ ओपन करके तो आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, लाइक इस विंडो से देख के आप कोई चीज उधर टाइप करना चाह रहे हैं या वट एवर जो भी आपका टास्क है, तो आप दो विंडोज एट अ टाइम ओपन कर सकते हैं, इवन के दो से ज्यादा भी ओपन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे कि वो कितनी बड़ी है और आप विंडोज का साइज क्या रखना चाह रहे हैं। देन हम बात करेंगे क्लोज बटन की। तो क्लोज बटन जो है वो एक प्रोग्राम को बंद करने के लिए यूज होता है। लाइक अगर आपने वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है और उसके अंदर आपने कुछ टाइप किया है तो आप उसको क्लोज करना जा रहे हैं, तो वहां पे कंप्यूटर का एक नोटिफिकेशन आएगा जो आपसे पूछेगा कि आप मेक श्योर हैं कि आप इसको क्लोज करना चाहते हैं। देन वो आपसे पहले ये भी पूछेगा कि आपने जो काम किया है आप उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो मेक श्योर करें कि अगर आपने काम किया है और आपने उसको सेव नहीं किया तो उसको क्लोज करने से पहले उसको सेव जरूर कर लें। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लोज बटन को क्लिक करूंगी तो जो मैंने आपको कहा था कि ये नोटिफिकेशन डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, तो अनटाइटल्ड यहाँ पे उस फाइल का नाम है जो मैंने पेंट के अंदर ओपन कर रखी है। तो यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव नहीं करना चाह रहे तो आप डोंट सेव पे क्लिक करते हैं, एंड देन अगर आप क्लोज नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से आप जब भी कैंसिल बटन को क्लिक करेंगे तो ये विंडो क्लोज नहीं होगी। तो यहाँ से हम डोंट सेव कर लेते हैं और इस तरह ये मेरी विंडो क्लोज होगी। जैसे ही विंडो क्लोज हुई ये इस क्विक लॉन्च एरिया ये टास्क बार से रिमूव हो, मतलब ये बंद कर दिया है और मैं इस पे अभी काम नहीं कर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सेकेंड वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू ओपन अ प्रोग्राम, ये जो डिफरेंट आइकन्स हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स के आइकन्स हैं हम इनको किस तरह से ओपन करेंगे। देन हाउ टू ऐड एंड रिमूव द आइकन ऑन आवर डेस्कटॉप स्क्रीन, देन उसके अलावा हाउ टू पिन एंड अनपिन द डिफरेंट प्रोग्राम्स इन आवर टास्क बार, इसके अलावा भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी सेकेंड वीडियो में। तो गाइज बने रहिए इस वीडियो के साथ।
मेरे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो आपकी नॉलेज को मज़ीद पॉलिश करेंगे और ये आपको जानने के लिए मदद होगी कि आपने आज के इस सेशन से क्या सीखा। पहला सवाल जो जिसका आप इस क्विज को खुद से सॉल्व कीजिए, ताकि आपके अंदर लर्निंग की जो आप सही से लर्न कर पाए। देन मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की होम स्क्रीन को क्या कहते हैं। आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू गाइस आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। तो हमारे लिए ये इंगेजिंग रहेगा और हम ये वहाँ से हमें ये जानने में मदद होगी कि आप इस वीडियो से कितना सीख पाए हैं। सो गाइस कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे थे, कैसे आपने इन इन क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपने इस वीडियो को इंजॉय किया। और इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि कंप्यूटर की होम स्क्रीन को क्या कहते हैं। सेकेंड सवाल है, कंप्यूटर को जिस बटन से ऑन करते हैं उस बटन को क्या कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विंडोज आइकन का बटन क्या कहलाता है। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, डेस्कटॉप स्क्रीन में नीचे की तरफ जो बार है उसे क्या कहते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। विश यू बेस्ट ऑफ लक इन दिस सीरीज, और इस सीरीज से जुड़े रहिए। हम बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लेके आएंगे जो आपको एक बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको सिखाएंगे। एंड अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड, टेक केयर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।